इंडियन आइडल पर इस हफ्ते सेट पर बहुत सारा धमाल हुआ। इस हफ्ते सेट पर एक साथ कई मेहमान पहुंचे थे, जिनमें स्ट्रीट डांसर 3D की स्टार कास्ट वरुण धवन और श्रद्धा कपूर पहुंचे थे। ये यहाँ अपने फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। साथ ही कंगना रनौत स्टार मूवी पंगा की स्टार कास्ट भी सेट पर अपनी आने वाली मूवी पंगा के प्रमोशन के लिए सेट पर पहुंची थी। वहीं इंडस्ट्री के गोल्डन मैन बप्पी लाहिरी भी सेट पर पहुंचे। बप्पी दा को इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने पर इंडियन आइडल के मंच से एक ट्रिब्यूट दिया गया। शनिवार रविवार को हुए इस एपिसोड में एक तरफ जहां वरुण और श्रद्धा के गाने कंटेस्टेंट ने गाए, तो वहीं दूसरी ओर बप्पी लाहिरी के गानों की सेट पर धूम मची। एपिसोड के दौरान सेट पर बहुत धमाल मचा। शो से इसके कई सारे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें सेट पर हुई मस्ती साफ दिख रही है। ऐसी ही एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वरुण धवन शो के होस्ट आदित्य नारायण के साथ मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को पता है कि आदित्य नेहा को पसंद करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते रहते हैं। आदित्य की इसी आदत को जानते हुए वरुण उनसे सिम सिम पोला पोला गाकर नेहा को इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं। पहले आदित्य कहते हैं कि इस गाने से कोई कैसे मान सकता है। फिर आदित्य ये गाना गुनगुनाते हैं और बीच में रुककर कहते हैं कि अब तो म्यूजिशियनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। इस पर शो के जज विशाल ददलानी कहते हैं कि भले पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे आदित्य, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। इस पर शो की जज नेहा कक्कर हिमेश रेशमिया की तरफ इशारा करते हुए जय माता दी का नारा लगाती हैं। ये सब सुनकर हिमेश रेशमिया कहते हैं कि भाई मैं सारी चीज़ों में साथ हूँ, लेकिन ये सिमसिम पोला पोला में नहीं। इस पर सभी हंस पड़ते हैं। आदित्य से मजाक करने के बाद वरुण सभी को बताते हैं कि आदित्य को इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो चुके हैं और ये यहाँ मौजूद सभी के सीनियर हैं। इस पर सभी लोग खड़े होकर आदित्य के लिए तालियां बजाते हैं और आदित्य सभी को थैंक यू कहते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.